नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य समय झारखंड के विभिन्न इलाकों का मौसम बदलेगा और चक्रवात के कारण झारखंड में बादल छाए रहने और कई जगहों पर मौसम में परिवर्तन होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो कैसा रहेगा पूरे झारखंड का मौसम, बरसात होगी या गर्मी बढ़ेगी, एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप भी लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी पूरे झारखंड में कहीं पर भी रहते ना, तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की लेटेस्ट और ताजी जानकारी के मुताबिक पूरे झारखंड में मौसम में बदला सा नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन नजर आ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक इन दिनों झारखंड में जो है आसमान पर बादलों की आवाजाही बढ़ गई है, जिसका कारण यह है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आया चक्रवात, इस चक्रवात का असर झारखंड पर दिख रहा है। बता दें कि राज्य में मौसम में कुछ बदलाव के साथ कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही सूरज की तपिसी कम हो रही है। मौसम विभाग की पूर्वानुमान की बात किया जाए तो इसके अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और मौसम विभाग का पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में काफी ज्यादा जगहों पर आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 20 से 22 तारीख को दोस्तों जो है सुबह के समय कोहरा काफी अधिक रहेगा और मौसम विभाग की माने तो यहां पर एक दो स्थानों पर हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 16.8, डाल्टनगंज का 13.9, बोकारो का 13.6, चाईबासा का 16.6, देवघर का 15.2, गिरिडीह का 14.6, रामगढ़ का न्यूनतम तापमान 12.7 पर आ चुका है। मौसम विभाग की माने तो रांची में जो है सूर्योदय के समय 6:19 पर हुआ है और सूर्यास्त का समय दोस्तों 5:47 पर निर्धारित किया गया है। ताजा और लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक पूरा झारखंड में जो है लोहरदगा में रात के समय 14-15 तो दिन में 27-28-29 के करीब तापमान जाएगा और बादल छाए रहने के आसार है। दो दिन के बाद पूरे एक सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे। लातेहार में 16-17-18 रात के समय तो दिन में 28-29 के करीब तापमान जाएगा और 5 से 6 दिन भारी बादलों की आवाजाही रहेगी। कोडरमा में 16-17-18 रात के समय दिन में 28-29 के करीब तापमान जाएगा और 5 दिन भारी बादलों की आवाजाही है। खूंटी में 15-16-17 रात के समय दिन में 30-31 के करीब तापमान जाएगा। जामताड़ा में 18-19-20-21-22 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा और बादल छाए रहने के आसार है। हजारीबाग में 15-16-17 रात के समय दिन में 30-31 के करीब तापमान जाएगा और बादल छाए रहेंगे। गुमला में 14-15-17 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा। गोड्डा में 18-19-22 रात के समय दिन में 30-32 के करीब तापमान जाएगा और बादल छाए रहेंगे। गिरिडीह में 17-18-20 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा। वहीं दोस्तों गढ़वा में 15-16-17 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में 18-19-20 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा। दुमका में 19-20-22 रात के समय दिन में 30-31 के करीब तापमान जाएगा। धनबाद में 17-18-19-20 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा। साथ में देवघर में 18-19-20 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा। बोकारो में 17-18-19-20 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा। चतरा में 16-17-18 रात के समय दिन में 28-29-30 के करीब तापमान जाएगा। सिमडेगा में 15-16-17-18-19 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा। खरसावां में 17-18-20 रात के समय दिन में 33-34 के करीब तापमान जाएगा। सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत विभिन्न इलाकों का मौसम बदलने वाला है। तो यह था पूरे झारखंड का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।